हम लोग ज्यामिति संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो ज्यामिति में जो वर्ड्स आते हैं उनके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, कर लेना है। पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो जिस सवाल में जिस शब्द की जरूरत हो उसके बारे में जानकारी ले लें। जैसे इस सवाल में है, दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण का 3/5 गुने से 10 अधिक है। तो एक शब्द आया है कोटि पूरक। तो एक कोटि पूरक क्या है? जब तक कोटि पूरक के बारे में पता नहीं होगा, इक्वेशन नहीं आएगी। तो आइए कोटि पूरक पहले जानते हैं क्या है। कोटि पूरक दो एंगल होते हैं इसमें, जो इस दोनों को जोड़ा जाए तो 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो एक कोण दूसरे कोण का कोटि पूरक है। जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बनाइए और इसमें एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, तो जो एक एंगल ये है और ये एक ये है, तो एक्स और वाई है, तो वाई का कोटि पूरक एक्स है और एक्स का कोटि पूरक वाई है। कोटि पूरक का मतलब है कितना हम और ऐड करते हैं कि वो 90 डिग्री हो जाए। जैसे 50 डिग्री का कोटि पूरक क्या है? 50 में हम 40 और जोड़ेंगे तब 90 आएगा, तो 50 का कोटि पूरक जो होता है वो 40 होता है। इसी तरह 70 अगर लिखा हुआ है उसका कोटि पूरक निकालना है तो 70 का कोटि पूरक 20 होता है। मतलब 90 में से उस एंगल को माइनस किया जाता है तो उसका कोटि पूरक निकलता है। तो इस तरीके से कोटि पूरक शब्द को या इसकी परिभाषा क्या होती है ये जानकारी होने के बाद आप इस सवाल में एंट्री कर सकते हैं। तो आइए, हम लोगों को पता चल गया है तो आप सवाल को लगा सकते हैं। तो आइए, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं। अगर एक एंगल एक्स है और दूसरा वाई है तो एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये है कोटि पूरक की कंडीशन से इक्वेशन अपने आप बनी हुई है। अब क्वेश्चन पढ़िए। उसने कहा है कि छोटा कोण, अब छोटा कोण कोई भी आप मान सकते हैं, कोई भी छोटा हो सकता है, तो हम ले लेते हैं कि ये एक्स जो है वो छोटा है। एक्स दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। ये जो है अगर छोटा, ये तो बड़ा ये हुआ, तो ये 3/5 गुना, ये 3/5 गुना हो गया, इससे 10 अधिक है। ये 10 अधिक है तो इसमें अगर प्लस कर दें 10 तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। बस बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 5, चाहे इसमें एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, चाहे आप इसको इधर लेकर के एलसीएम निकाल लीजिए, तो एक्स माइनस 3 वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। आप यहां 5 एलसीएम लीजिए तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। अब इस 5 को उधर जाने दीजिए तो देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 50। ये एक इक्वेशन आएगी, एक ये आ गई और एक ये है। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये 5x है, यहां केवल x है, तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो, या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 आसान अगर लगता है तो 3 से कर दीजिए। चलिए करते, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 × 27, 270। ये आ गया। अब इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखिए, माइनस 3y इज इक्वल टू 50। अब देखिए यहां जब बराबर दो मिलते हैं तो उनको हम जोड़ देते हैं, अगर साइन अलग अलग है तो अलग अलग मेन उद्देश्य होता है इनको काटना, घट जाए और कट जाए। तो इस तरीके से हम यहां पर ऐड करने पर इसको काट सकते हैं। तो ऐड करिए, देखिए ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 3 8x इज इक्वल टू, अब ये जोड़ लीजिए, 0 7 5 12 और 2 1 3, 320, और x बराबर क्या आ जाएगा?
8 से भाग कर दीजिए, 8 चौक 32, 40 डिग्री एक्स आ गया। ये छोटा वाला एंगल है क्योंकि एक्स वाले को हम लोगों ने छोटा वाला माना था। अब बताइए कोटिपूरक इसका क्या होगा? कोटिपूरक निकालने के लिए 90 में से माइनस कर लिया जाता है, तो जो वाई आएगा वो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री ही होना है कोटिपूरक की परिभाषा से। अब यहां पर देखिए, चाहे दोनों को वैल्यू रखकर देखिए, यहां पर x हो गया 40, y हो गया 50, 50 और 40 90, बिल्कुल सही है, आपने सवाल को ठीक ढंग से समझा है और कर लिया है। एक दो सवाल इस तरीके के और ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।